हाय स्टूडेंट्स इससे पहले वाला वीडियो जो गया था कंपनी का कैसा लगा कोई दिक्कत कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना और वीडियो का तो रे, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है तो कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर बताइएगा इसके पहले वाला वीडियो में प्राइवेट कंपनी हमने बताया था और थ्री टाइप ऑफ कंपनी भी बताया था कि कंपनी तीन टाइप का होता है अनलिमिटेड कंपनी दूसरा मैंने बताया था कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी थर्ड वाला मैंने बताया था कंपनी लिमिटेड बाई शेयर उसके बाद मैंने बताया था कंपनी लिमिटेड बाई शेयर को दो पार्ट में हम डिवाइड किए थे एक प्राइवेट कंपनी या दूसरा पब्लिक कंपनी तो प्राइवेट कंपनी तो बता दिए थे उसमें कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होना चाहिए चलिए अब चलते हैं पब्लिक कंपनी हम बता रहे हैं आप लोग जितना भी हम बताएं सारा आप लोग कॉपी में नोट कर लेना कहीं दिक्कत नहीं होगा दिक्कत थोड़ा सा भी हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना हम एक दोबारा आपको वीडियो बना के भेजेंगे या नहीं तो नंबर दिया हुआ है आप लोग कॉल करके कर पूछिएगा यदि फिलहाल आप प्रेजेंट में यदि क्लास आप करें तो क्लास में भी पूछ सकते हैं या जो क्लास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कॉल करके कर भी पूछ सकते हैं चलिए देखिएगा अब हम बताने जा रहे हैं पब्लिक कंपनी देखिए पब्लिक कंपनी कहते हम हैं हम लोग किसको है अब देखिए पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी जिन्ही क्या होता है पब्लिक कंपनी देखिएगा अभी अभी जस्ट आपको बताए थे कि पब्लिक कंपनी हम लोग कहते किसको है देखिए पब्लिक कंपनी हम लोग किसको कहते हैं देखिएगा पब्लिक कंपनी किससे कहते हैं एक कंपनी कंपनी, विच इज ए कंपनी विच इज नॉट ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं वैसा कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वैसा कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उस कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं पब्लिक कंपनी देखिए ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी एंड एंड एंड, एंड, एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल रूपीज फाइव लाख पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितने से है रुपीज फाइव लाख एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी एज मे बी प्रिस्क्राइब एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई

ट कंपनी एंड मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल रूपीज फाइव लाख पब्लिक कंपनी उसको कहते हैं जिसका मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कितने से है पांच लाख रुपया एंड मैक्सिम पेड ऑफ कैपिटल एज में मैक्सिमम पेड ऑफ कैपिटल कितना होगा जितना उसका आर्टिकल में लिखा हो उतना और बाय कंपनी एक्ट या नहीं तो मैक्सिम कैपिटल कितना होगा जितना कंपनी एक्ट में लिखा हो उतना सारे स्टूडेंट को क्लियर माइंड में आ गया पब्लिक कंपनी अब आगे देखिएगा द नेम ऑफ द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी एंड विथ द वर्ड विथ द वर्ड लिमिटेड विथ द वर्ड लिमिटेड या देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं एल लिमिटेड को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं एल तब पब्लिक कंपनी के जो नाम होता है किस वर्ड के द्वारा इंड होता है लिमिटेड जैसे राम लिमिटेड मोहन लिमिटेड सोहन लिम, लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड समझ में आ गया तो देखिए क्या होता है जो पब्लिक कंपनी के जो नाम है ना लिमिटेड वर्ड से क्या होता है इंड होता है सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया किसी को दिक्कत नेम ऑफ पब्लिक कंपनी इंड विथ दर्ड लिमिटेड इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं एलटीडी किसी स्टूडेंट को दिक्कत चलिए अब आगे देखेगा द मिनिम नंबर द मिनिम मेंबर द मिनिमम द मिनिम नंबर ऑफ मेंबर मेंबर्स विल बी फाइव पब्लिक कंपनी में याद मिनिमम नंबर मेंबर कितना होगा पांच एंड मैक्सिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर विल बी विल बी अनलिमिटेड

कहीं भी दिक्कत चले पब्लिक कंपनी तो हो गया अब चलते हैं आप लोग का एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ये हमेशा आता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है इसको एकदम से एलर्ट के जाना है एग्जाम में हमेशा पूछता है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है चलिए हम बोर्ड पर लिखते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है आगे देखिए ये हमेशा आता है इसीलिए आप लोग को रट जाना है देखिएगा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी और रिविजन पर आप लोग लग जाइए एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है अब कोई और वीडियो चाहिए या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा चलिए अब अगला टॉपिक चलते हैं डिफरेंस देखिएगा डिफरेंस देखिए डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी डिफरेंस तो. बिट्वीन प्राइवेट कंपनी देखिएगा देखते है डिफ्रेंस बिट्वीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ये हमेशा एग्जाम में आता है आप लोग देखते रहिएगा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस है एकदम से तो रट जाना है इस बार सारा रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए ठीक ना चलिए देखिएगा इधर हम लोग लिखते हैं प्राइवेट कंपनी इधर क्या लिखते हैं प्राइवेट कंपनी और इस साइड हम लोग क्या लिखते हैं पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी अब देखिए प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कोई दिक्कत अब देखिए फर्स्ट जो पॉइंट आपका है द मिनिमम द मिनिमम मेंबर द मिनिमम मेंबर्स विल बी टू प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होता है टू एंड मैक्सिमम मेंबर एंड मैक्सिमम मेंबर विल बी 200 हंड्रेड इधर जाना है प्राइवेट कंपनी में एक आपका प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होता है टू एंड मैक्सिमम मेंबर कितना होता है टू हंड्रेड अब देखिए इसमें मिनिमम मेंबर्स द मिनिम मेंबर्स विल भी मिनिमम मेंबर विल बी फाइव याद देखिये पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होता है फाइव पांच एंड एंड मैक्सिमम मेंबर एंड मैक्सिमम मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड एक पब्लिक कंपनी में याद देखिएगा मिनिमम मेंबर कितना होता है फाइव एंड मैक्सिमम मेंबर कितना होता है अनलिमिटेड कोई दिक्कत एकदम से आप लोग को रट जाना है एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर टू होता है और मैक्सिमम कितना होता है टू हंड्रेड एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होता है फाइव ए मैक्सिमम मेंबर कितना होता है अनलिमिटेड मैक्सिमम मेंबर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है पब्लिक कंपनी कितनों भी मेंबर हो सकता है कोई दिक्कत चलते है अब सेकेंड पॉइंट पर देखिएगा सेकंड पॉइंट द मिनिमम, द मिनिमम पेड अप कैपिटल द मिनिमम पेड अप कैपिटल द मिनिमम पेड अप कैपिटल विल बी विल बी रूपीज वन लाख यादे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है वन लाख एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एज में बी एज में बी प्रिस्क्राइब एज में बी प्रिस्क्राइब बाई आर्टिकल्स या देखे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए वन लाख एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए जितना उसका आर्टिकल में प्रिस्क्राइब है प्रिस्क्राइब का मतलब रिकॉर्ड है जितना उसका आर्टिकल में रिकॉर्ड है उतना तो ये प्राइवेट कंपनी का मिनिमम कैपिटल वन लाख होता है और मैक्सिमम कैपिटल जितना उसका आर्टिकल में लिखा है उतना होगा अब आते हैं पब्लिक कंपनी के द मिनिमम द मिनिमम पेड अप कैपिटल देखिएगा द मिनिमम पेड अप कैपिटल द मिनिमम पेड अप कैपिटल रूपीज फाइव लाख एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है फाइव लाख एंड एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एंड एंड मैक्सिमम पेड अप कैपिटल मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी एज मे बी प्रिस्क्राइब एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई आर्टिकल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई आर्टिकल्स सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया एक पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल पांच लाख होता है ए मैक्सिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई अ मैक्सिमम पेड ऑफ कैपिटल कितना होगा जितना उसका आर्टिकल में लिखा होगा कंपनी एक्ट के उतना होगा कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड नंबर पर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी कैन नॉट कैन नॉट इन्वाइट इवेट कंपनी कैनॉट इन्वाइट पब्लिक पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब शेयर या देखिए कभी भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है कि आप आओ अब मेरा शेयर के का करो सब्सक्राइब करो ये प्राइवेट कंपनी कभी भी इनवाइट नहीं कर सकती है. अब इधर आते हैं थर्ड नंबर पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी कैन पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब शेयर एक पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है कि आप आओ अब मेरा शेयर को क्या करो सब्सक्राइब करो ये कोई दिक्कत है यहां तक देखिए ये तीनों पॉइंट में आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग बताओ ये डिफरेंस से लिखवाए हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी आप लोग जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो यहां पर लिखते हैं देखिए और एक पॉइंट प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर्स प्राइवेट कंपनी अपना से कभी भी या देखिये ट्रांसफर नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी अपना से कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकती है आगे देखिएगा इसमें दे आर इज दे आर इज नो रिस्ट्रिक्शन दे आर इ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर याद रहे ये प्राइवेट कंपनी अपना कभी भी शेयर पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकती है लेकिन पब्लिक कंपनी अपना शेयर को ट्रांसफर कर सकती है इसमें कोई आपका लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कोई दिक्कत यहाँ तक ये चारों डिफरेंस में कोई दिक्कत प्राइवेट कंपनी कभी भी अपना शेयर पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकती है पब्लिक कंपनी अपना शेयर पब्लिक को ट्रांसफर कर सकती है पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है देखिए तो कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो आगे हम बताते हैं चार डिफरेंस हुआ एक दो डिफरेंस अभी और लिखवाएंगे कोई दिक्कत चलिए अब आगे चलते हैं मिटाएं नहीं इसको आप लोग स्क्रीन शॉट जल्दी ले लो आगे देखिएगा नेक्स्ट सारे जितना भी बताया जाए सारे कॉपी में आप लोग नोट कर लो ये सही ढंग से पढ़ लिए तो आपको अकाउंट में कोई भी 90 परसेंट से लाने से रोक नहीं सकता है गारंटी के साथ ये तो अभी थ्योरिटिकल पॉइंट बता रहे हैं ये जैसे थ्योरिटिकल पॉइंट कंप्लीट होगा आपको सारा प्रैक्टिकल पॉइंट बताएंगे पहले देखिएगा आप लोग देखिए अब फाइव पॉइंट दे इज एट लीस्ट टू डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन प्राइवेट कंपनी इन प्राइवेट कंपनी आप याद कर लीजिएगा प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए दो देर इज देयर आर इज एट लिस्ट टू डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए दो अब आगे देखिएगा फाइव पॉइंट इसमें देयर आर इज एट लिस्ट दे इज एट लिस्ट थ्री डायरेक्टर्स देट लिस्ट थ्री डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड आरिक्वायर्ड इन पब्लिक कंपनी देख लो एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए दो एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए थ्री कोई दिक्कत कॉपी में नोट कर। लास्ट आपको बताने जा रहे हैं द नेम ऑफ

जो प्राइवेट कंपनी का जो नाम है ना किस वर्ड से इंड होता है प्राइवेट लिमिटेड से इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं पीवीटी एलटीडी एल टी डी द नेम देखिए एक यहां पर लिख लीजिएगा द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी इंड विथ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड जो प्राइवेट कंपनी है इसका नाम किस वर्ड से इंड होता है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से अब देखिए पब्लिक कंपनी का नाम द नेम ऑफ द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी इंड विथ दर्ड विथ द वर्ल्ड लिमिटेड और लिमिटेड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं एल टी डी लिमिटेड को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं एल इसको रट जाना है प्राइवेट कंपनी के जो नाम है ना प्राइवेट लिमिटेड से इंड होता है लेकिन जब पब्लिक कंपनी के जो नाम है किस वर्ड से इंड होता है, इसको में हम क्या लिखते है? कोई देखे तो? कहीं भी दिक्कत है इसमें गया आप लोग को ये जो बताए बहुत इंपॉर्टेंट आपका, आपका है सारा इंपॉर्टेंट है कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताओ यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है ना चलते अब देखिए एक दो कंपनी के और बताते हैं उसके बाद आप लोग को वीडियो को एंड करेंगे आप लोग जल्दी से स्क्रीन ले लो कोई दिक्कत चलिए ये जो डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बहुत ही रिपीटेड है ये जो डिफरेंस है बहुत बार आया हुआ है एक दो बार नहीं बोर्ड में हो सी में हो सी बहुत बार रिपीटेड है इसलिए आप लोग एक एक करके इसको हट जाओ चलते हैं अब नेक्स्ट चलते हैं इसको हटा रहे हैं आप लोग सारे स्टूडेंट स्क्रीन शॉटें ले लो इसको चलिए अब आगे देखिएगा अब देखिए बताने जा रहे गवर्नमेंट कंपनी हम लोग कहते किसको हैं ये भी आप लोग से ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा गवर्नमेंट कंपनी खासकर टू मार्क्स में भी पूछ सकता है या नहीं तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा चलिए टॉपिक डालिएगा गवर्नमेंट कंपनी अब बताइए गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे यह भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में भी एक गवर्नमेंट कंपनी हम लोग किसे कहेंगे देखिए एक कंपनी एक कंपनी विच शेयर्स आई होल्ड बाई आई होल्ड बाई आई दर आई होल्ड बाई आई देंट्रल गवर्नमेंट आई द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इस्टेट गवर्नमेंट एट लीस्ट यही सदस्य स्टेट गवर्नमेंट और बाई बोथ और बाई बोथ फिफ्टी वन परसेंट और या देखिए गवर्नमेंट कंपनी किससे कहेंगे वैसा कंपनी जिसका फिफ्टी वन परसेंट और उससे अधिक शेयर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया गया हो या नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया गया हो और नहीं तो दोनों के मिलकर किया गया हो इस कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया कोई दिक्कत एक कंपनी विच शेयर आई होल्ड बाय आई सेंट्रल गवर्नमेंट वैसा कंपनी जिसका शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड किया है और स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ 51% परसेंट और मोर गवर्नमेंट कंपनी में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत वैसा कंपनी जिसका शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड किया है या नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड किया है या नहीं तो दोनों मिल का होल्ड किया है कितना परसेंट फिफ्टी वन परसेंट नहीं तो उससे अधिक उससे हम लोग क्या कहते हैं होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं कोई दिक्कत तक बताइए तो जल्दी से कहीं दिक्कत नहीं है अब देखिएगा कितना हुआ कहीं दिक्कत है इसमें ये जो गवर्नमेंट कंपनी है कि याद आ गया अभी हाल ही में फिर से पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है टेस्ट में कहीं दिक्कत है चलिए आप इतना आप लोग हंड्रेड परसेंट याद करके रखिएगा कोई दिक्कत चलिए एक लास्ट छोटा सा लिख देते हैं आप लोग को होल्डिंग कंपनी ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है होल्डिंग कंपनी अब बताइए होल्डिंग कंपनी किससे कहेंगे एक कंपनी एक कंपनी विच होल्ड कंपनी विच होल्ड फिफ्टी परसेंट और मोर सेयस इन अदर कंपनी इन अदर कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी समझ में आया वैसा कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी समझ में आया वैसा कंपनी जो दूसरे कंपनी में फिफ्टी वन परसेंट या उससे अधिक से होल्ड किया है इस तरह के कंपनी को क्या कहेंगे होल्डिंग कंपनी देखिएगा एक कंपनी विच होल्ड फिफ्टी परसेंट और मोस्ट शेयर इन अदर कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी जैसे कि एग्जाम्पल समझो मान लेते हैं कि दो कंपनी है ये आपका ए लिमिटेड है और दूसरा कौन सा है बी लिमिटेड ए लिमिटेड ने ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 56 परसेंट शेयर को होल्ड किया है दो कंपनी है ए लिमिटेड है बी लिमिटेड है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 51 शेयर होल्ड किया है मतलब है समझ में आ गया ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 56 सिक्स परसेंट शेयर परचेज किया है तो इसको कहेंगे इसको कहेंगे हम लोग होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड को क्या कहेंगे हम लोग होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के क्या कहेंगे होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड को क्या कहेंगे सब्सिडी कंपनी बी लिमिटेड को हम लोग क्या कहते हैं सब्सिडी कंपनी हम लोग बी लिमिटेड को क्या कहते हैं सब्सिडी कंपनी देखिएगा बी लिमिटेड के क्या कहेंगे सब्सिडी कंपनी सब्सिडी आदि कंपनी कोई दिक्कत देखे तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 56 परसेंट होल्ड किया है सीआई को तो ए लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी कहते हैं और बी लिमिटेड को हम लोग क्या कहते हैं सब्सिडी आई कंपनी चलिए यहाँ तक आप लोग का कंपनी का टाइप ये सब जितना इंपॉर्टेंट है उतना हमने करा दिया यही सब इतना ही कंपनी का जो टाइप है न, जो कि हमेशा आपका रिपीटेड होता है इसको तो एकदम से कॉपी में नोट कर लेना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो छूटे नहीं चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो थैंक यू आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इससे क्या होगा कि आने वाला वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा चलिए ठीक थैंक यू